तो ये है फ्लैक्चुएटर प्रोटोटाइप 5 जो टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। और कई लोगों ने सवाल पूछा था, बिना मैग्नेट और कॉइल को घुमाए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे किया जाता है? तो कोई लोग का कहना है इट इज इम्पॉसिबल। मैं कहना चाहूँगा, अगर साइंस में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप सही ढंग से रिसर्च करते हो और टेस्टिंग करेंगे तो आपको कुछ नया मेथड मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है। और मैं ये मैग्नेट और कॉइल को बिना घुमाए इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए जनरेट कर रहा हूँ ताकि एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाए। और ये प्रोटोटाइप में मैंने छोटा से प्रोपेलर लगाया है, ये देख सकते हैं, ये 3 से 3.5 इंच का रहेगा, ये देखिए। और ये इसमें भी ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया है, नॉर्मल सा एक ब्लेड है। लेकिन फ्लक्चुएटर प्रोटोटाइप में ब्लेड को ज़्यादा कंप्रेस्ड और हैवी ड्यूटी बनने के लिए ज़्यादा हार्डनर की ज़रूरत रहती है, और ज़्यादा थिन रहेगा तो ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ किया नहीं है, नॉर्मल सा एक ब्लेड मिला है, उसको रोड फुल्ली के साथ वेल्डिंग कर लिया है। मतलब ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा किया नहीं है, जो रेडीमेड प्रोडक्ट मिला है उसी में एडजस्ट करके खाली एक टेस्टिंग के लिए बनाया है। ये टेक्नोलॉजी फ्री एनर्जी तो है, लेकिन फिलहाल ये फ्री एनर्जी में नहीं है, ये खाली टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। और ये शॉर्टकट मेथड में बनाया गया है, जिसमें जो फ्लैक्चुएटर का लो है, लो जो होता है उसमें कम से कम इस्तेमाल हुआ है। तो ये रहा कॉइल, आप देख सकते हैं इसके अंदर पूरा कॉपर वाइंडिंग किया है, ये देख। और इसमें इसके ऊपर टेप लगाया है ताकि ये ब्लेड घूमते टाइम इसका वाइंडिंग को काट ना दे। और आप देख सकते हैं इसका शाफ्ट के अंदर मैंने फाइबर वाइसर लगाया है ताकि जब ये प्रोपेलर घूमते टाइम मैग्नेट इसको नीचे की तरफ खींचेगा तब क्या होएगा, इसके अंदर का फाइबर वाइसर टूटने का चांस है, क्योंकि ये एक जुगाड़ मेथड से बनाया गया है। आप देख सकते कैसा तार से बांध दिला ये रॉड को, सब तार से बांध के, और ये टेम्पररी चिपकाएला है। और जो इसमें मैग्नेट लगाया है ये नियोडियम 35 है, जो मेड इन चाइना है। मैंने तो इंडिया मेड इन इंडिया का मैग्नेट ढूंढा, लेकिन मार्केट में कई अवेलेबल ही नहीं है। कई लोग का कहना है कि इंडिया में तो मैन्युफैक्चरिंग होता ही नहीं है, तो ये मजबूरन चाइना का मैग्नेट लगा के एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है। अभी मैं इसको फिटिंग करता हूँ, आप देख सकते हैं। और इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत साइंस की जानकारी रहनी चाहिए, नहीं तो ये इंजर कर सकता है आपको। को एकदम फुल टाइट करिए, नहीं तो निकलने का चांस ज्यादा रहता है, ये देखिए। अब इसमें मैग्नेट नहीं घूमेगा, खाली ब्लेड घूमेगा, ये आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं कॉइल फिटिंग करता हूँ, ये देखिए कॉइल। ये एजेक्सिंग नट है, जो एजेक्स करके कॉइल को सेट करने का ये नट है। ऐसा लगाते टाइम ध्यान देना चाहिए कहीं शाफ्ट जो है कॉइल को टच तो नहीं कर रहा है, हल्का से गैप होना चाहिए, नहीं तो उसको उसका वाइंडिंग को काट देगा। और जो जो आर्मेचर कॉइल जो है, ये रेडीमेड जो पुराने गाड़ी में लगते थे, ये 30 साल 35 साल पहले इंडिविजुअल कॉइल लगते थे उसमें से निकाला है। इसका जो पोजिशन है राउंड है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है टेस्टिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अभी देखिए, अभी मैं मोटर चालू करता हूँ, इसको कपड़े से पकड़ लेते हैं।
अभी इसको शॉर्ट सर्किटिंग करके आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी कितना जनरेट स्पार्क हो रहा है वो आपको मालूम पड़ेगा। अभी बल्ब लगाते हैं, कॉइल घूम रहा नहीं है, सिर्फ प्रोपेलर को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है। तो ये प्रोटोटाइप 5 जो बनाया गया है सिर्फ टेस्टिंग के लिए, फ्री एनर्जी का प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके लिए मैग्नेट, रिंग मैग्नेट लगेगा और प्रोपेलर जो है डबल प्रोपेलर लगेगा, उसका जो लॉ होता है वो अलग है। और ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए शॉर्टकट मेथड में बनाया गया है। इसमें खाली इतना ही पता लगेगा कि आप बिना मैग्नेट और कॉइल घुमाए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हो क्या नहीं। और इस तरीके से आप जनरेट करोगे तो प्रोपेलर जो है गर्म होएगा, अगर मैग्नेट का पोजीशन थोड़ा गलत होएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होएगा। इसमें जो है क्रॉस कनेक्शन मैग्नेट यूज किया है। वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलना। और नेक्स्ट वीडियो हम फ्री एनर्जी के साथ आपके साथ मुलाकात करें।